ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहाज में बैठ गए और सामने का व्यू देखो। अब देखो अलॉय की लुक ना अलग ही निकल आई है। मुझे ये बताओ, मैंने बोला था छोटा एडवेंचर करना है, तुम ये मेरे को तो अपने को दिक्कत क्यों होती है डिसीजन लेने में कि दिल्ली जाए या मनाली जाए। रास्ते में चलते चलते ना भाई इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो तो साइड मिरर से मेरे को दिखे ये दो टायर कि ये बाहर को आ रहे हैं। तो ये थी असली लैंडस्लाइड, ट्रक के ऊपर पत्थर गिरा हुआ है। ओ भाई साहब, ये देख रहे हो सामने लैंडस्लाइड एरिया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज नए दिन के साथ ना हमें चार दिन हो चुके हैं चंडीगढ़ में। आज चौथा दिन है गुरु जी हमारा, चौथा दिन। तो आज हम सोचे आज यहाँ से किसी ना किसी तरह निकल जाना है। मतलब मैं दिल्ली निकल जाऊंगा वैसे मेरे को जाने नहीं दे रहे, लेकिन अपने को दिल्ली निकलना पड़ेगा और ये निकल जाएंगे मनाली के लिए। बिकॉज मेरे को पता अगर मैं मनाली निकल गया ना फिर अपना और एडवेंचर करने का मन होगा, फिर और आगे निकल जाएंगे, फिर दिन का पता लगता है, बाकी देखते जैसा भी होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत्याकाल नमस्ते, बड़ों को पहली बनाओ छोटों को हेलो, तो करते आप समय इतना बड़े होंगे, बड़े रहना और मौज लेते रहना। अभी दो तीन काम है छोटे छोटे वो निपटाने, उसके बाद ही निकलेंगे। मतलब एक डेढ़ घंटे में निपट जाएंगे, दो घंटे में काम तो निपट जाएगा, लेकिन आप मनाली जाना है इस बात का। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो रूम को हम ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, ये वाला बैग मैंने संभाल लिया है, एक बैग वो है वो आके संभालूंगा। भाई अलॉय एकदम कहते ना फाड़ वाले लग रहे, फाड़ वाले। अरे गुरुजी मेरे को भी ले जाओ, वो उधर सामने कहीं हमारा होटल है और होटल के सामने बिल्कुल ये सिटी कोर्ट है। ये गाड़ी ना बहुत ज्यादा दूर जाने वाली है, इसलिए हमने लगे सारे काम इसमें करवा दिए। एक्चुअली चक्कर क्या होता है, मनाली में काफी काम ऐसे हैं जो नहीं होते, जो खाली चंडीगढ़ या दिल्ली में होंगे, तो जितने काम यहाँ पर हो जाए बेटर है, फिर छोटे मोटे काम बचेंगे मनाली में करा लेंगे। बताओ कल ही हमने चारों के चारों टायर नए डलवाए और बारिश ऐसी है ना, रोड पे कीचड़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है टायर पता नहीं कब डलवाए। ये देखो, ये शुक्र है लॉय अभी तक साफ है। तो भैया हम पूरी गाड़ी को करा रहे हैं ड्राई क्लीन और साथ में आ चुकी है अपनी चाय और ये खटाई कल के बचे हुए थे इनको भी खा लेंगे। तो भाई जब मॉडिफिकेशन करा ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से कराएंगे। ये कैलिपर को भी हम रेड कर रहे हैं, पीछे के ड्रम भी रेड करेंगे, एकदम और बढ़िया लगेगी अपनी गाड़ी। सही हो भाई? भाई सीन ऐसा है, अभी हम चलाने वाले हैं ये हाइड्रा। एक्चुअली ऐसे चलाने को तो नहीं मिलती, हमारे साथ प्रोफेशनल बंदे और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। भाई एक राउंड काट लो ना, और अगर दिल्ली तक ले गया तो केरल ले जाओ, तो बाहर ही है, ज्यादा महंगा नहीं है ये, कोई 5-6 करोड़ का आता है, बस इतना ही है। ऊपर बैठ के जो सामने का व्यू आ रहा ना खतरनाक, पहले आपको वो दिखाता हूं। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहाज में बैठ गए और सामने का व्यू देखो। अरे तुम्हें समझ कैसे आता कि कैसे मोड़ना है, क्या कभी कभार हुआ टक्कर मारी किसी को? कभी कभार जी एक्टिवा वाले आ जाते, इस साइड दिखता नहीं ना। हाँ, तो एक्टिवा वाले फंस जाते। ये देखो साइड से व्यू। चले भाई इसको चलाएं, स्टार्ट कैसे होगा? ये दबाओ जी, ये क्लच है, ये ब्रेक है। अच्छा सब गाड़ी की तरह ही है भाई, स्टीयरिंग ये है जी, ये स्टीयरिंग है। ऊपर करोगे तो इधर को जाएगा, हां नीचे करोगे इधर को जाएगा। ये देखो टेम्पो कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं। ये कसम से कह रहा हूँ क्या खतरनाक चीज है, देखने में लगता ना कि भाई किसको चलाना कितना आसान होगा। ये यहाँ से राइट लेफ्ट होगा, नीचे सारा सिस्टम सेम है, गियर है, मतलब बढ़िया है, एक नया एक्सपीरियंस मिला आज अपने को। अब देखो अलॉय की लुक ना अलग ही निकल आई है। अभी ये कवर है, ये भी यहाँ पर लगेगा, चारों अलॉय हो जाएंगे ना तब और बढ़िया लगेगी। सही और बढ़िया है। अब नहीं वो लग रही है तगड़ी भूख, पहले खाना खाएंगे, इतने में काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे। तो भाई ये आ गई अपनी थाली, एक मंगाई हमने थाली और एक मंगाया राजमा राइस। भैया राजमा राइस कितनी देर में? आओ तुम्हें सुपर बाइक वाला एग्जॉस्ट की साउंड सुनाए। तो पहले वहाँ पर डीओ आए थे, अभी परफ्यूम आ गए हैं। ये पाजी, पाजी क्या करूंगा, बेचूंगा क्या आगे जाके मैं? आपके लिए यूज करो, गियर यूज करो। देख रहे हो ये मोबाइल माउंट हो गया, चार्जर हो गया, वो पाजी खड़े हैं। ऐसा लगता है अपने को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ही आता रहता है अपने पास। चलो भाई बढ़िया तरीके से सेट कर दो, ये हम एडवेंचर करने से पहले ना उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। सही है, अभी तो हमारा सामान भी है, वो कहाँ आएगा ये नहीं पता। मेन चीज ना अपने पास ड्रोन है, ना गोप्रो है, ना कैमरे है, ना कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। मैं दो दिन के हिसाब से आया था, खाली मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके, मोबाइल से जो वीडियो बनाऊंगा डाल दूंगा लैपटॉप एडिट करके,
लेकिन ठीक है अभी सोचते हैं क्या करते हैं। भाई साहब आप एक काम करो, आप ना पतली गली से निकल लो। फोन नहीं मैं देने वाला। आप पतली गली से निकल रहे, फोन नहीं मैं देने वाला, क्योंकि सारा रिकॉर्ड सारा वीडियो सारा ब्लॉग इसी फोन में। मैं तो चलो जाओ, मैं तो खुश हो गया, तो पतली गली से निकल लो, गाड़ी चढ़ जाएगा। चलो चलो भाई, सबको बाय बाय, फिर मिलेंगे, बहुत बढ़िया लगा। तो यहाँ से हमारे होटल का रास्ता 18 मिनट का। हमने मोबाइल माउंट भी लगा दिया, चार्जर भी लगा दिया, डेटा केबल मेरी दूसरी गाड़ी में पड़ी हुई है, और टाइम दोपहर के लगभग लगभग 3 बज चुके हैं। अगर यहाँ से अभी भी मनाली निकलते हैं ना हम लोग, तो 10-11 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते 3 बजे। अभी तो होटल जाके बैग पैक करेंगे। अरे गूगल मैप वाली आंटी, ब्लॉग बनाने दो, क्या कर रहे हो? देखो भाई, ये तो गूगल मैप है, अपने होटल की लोकेशन लगाई थी, और ये देखो कहाँ गलियों में ला के किसी मोहल्ले में ला के खड़ा कर दिया है। गुरु जी मुझे ये बताओ, मैंने बोला था छोटा एडवेंचर करना है, तुम ये मेरे को लग रहा है कुछ तगड़ा ही करवाने की तैयारी में हो। अपने दिमाग में ऐसी सोच चल रही है ना कि सब हिल जाएंगे। सोच से ही पड़े, सब बोलेंगे भाई क्या ही कर दिया है। गाड़ी अपनी पूरी रेडी, यहाँ से क्लियर दिख नहीं रही, नीचे जाके दिखाता हूँ। और हम भी रेडी हो चुके हैं, सारा सामान वगैरह पैक कर लिया, रूम एकदम खाली, बस वो एक मेरा बैग रह गया। तो फाइनली हमने क्या डिसाइड करा ना, हम जा रहे हैं यहाँ से मनाली कुछ तगड़ा एडवेंचर करने के लिए। और ये कैसे डिसाइड करा, एक हमारा दूसरा चैनल है जट प्रभजोत नो कट, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, करीबन 1.5 लाख उसमें सब्सक्राइबर है। उस पर हमने कभी अभी वीडियो डालती और पूछा था कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए या एडवेंचर के लिए जाना चाहिए। कम से कम 95% बंदों ने बोला कि भाई एडवेंचर कर लो, 5 दिन कर लो, उसके बाद दिल्ली चले जाना, जितने काम है उसके बाद निपटा लेना। तो फाइनली हमने आप सबके साथ मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम जा रहे हैं आगे कुछ तगड़ा एडवेंचर करेंगे। बस दिमाग में घूम रहा है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत तगड़ा प्लान है, बस ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, अभी चलते हैं नीचे, वो लोग वेट कर रहे हैं, आगे निकलते हैं। चल मेरे भाई, इस बढ़िया से रूम को बाय बाय कहते हैं, 3-4 दिन हम यहीं पे रुके हुए थे, बहुत मजा आया। तो अपने को दिक्कत क्यों होती है डिसीजन लेने में कि दिल्ली जाएं या मनाली जाएं, बिकॉज अपनी किया भी यहाँ पर खड़ी हुई है ना, मेरे पास कैमरे हैं ना, मेरे पास कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। होता क्या ना, मेरे हमेशा प्लान ऐसे होते हैं, 2 दिन के लिए घर से निकलते, फिर महीने के लिए गायब हो जाते। बाय बाय। हाँ अरे अरे अरे, थैंक यू, ये हमारे छोटे सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए थे। लो भाई रस्ते के लिए सामान आ गया खाने के लिए। और ये देखो हमारी गाड़ी फुल एकदम पैक, ऐसा लग रहा है राशन पानी लेके ना पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कहीं और ही जा रहे हैं। ये पहुंच जाएगा मनाली तक, पहुंच जाएगा। सच बता रहा हूँ, मतलब बोलना नहीं चाह रहा, जो बोलना नहीं चाह रहा वो आप समझ गए होंगे, इसे नहीं बोलता। ये बैग पता नहीं कब से पड़ा हुआ है इसके अंदर देखते हैं, कुछ काम का निकलता तो ले जाएंगे साथ में। तो भाई सैंडो वैंडो निकल रही है इसके अंदर, तो धोने पड़ेंगे, लेकिन ये वहां जाएंगे। राइडिंग गियर भी है, मतलब यहाँ से चाहो ना मैं बाइक लेके भी जा सकता हूँ। राइडिंग गियर हो गए, राइडिंग बूट हो गए, ग्लव्स में फंसा है, गोप्रो भी पड़ा हुआ है, लेकिन हेलमेट नहीं है। हाथ तो नहीं आएगा। एक लास्ट चीज इसमें से और निकालनी है, हमारे आईफोन की डेटा केबल। और आप सबके दिमाग में चल रहा होगा हम गाड़ी का करेंगे या गाड़ी कल दिल्ली पहुंच जाएगी, उसका भी हमने जुगाड़ कर लिया। देखो आगे ट्रैवल करते ना तो जुगाड़ करते करते चलना पड़ता है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है। तो अभी हमारे साथ मनाली जा कौन कौन रहा है, एक बार इंट्रो देता हूँ इनको, तो जानते हो गुरुजी अभी भाई और ये इनके पेरेंट्स हैं। नमस्ते अंकल आंटी, वैसे कल से हमारे साथ ही है, नमस्ते आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो वीडियो के लिए भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना। चले भाई लेट्स गो, टाइम 5:30 शाम के, बादल बढ़िया हो रहा है, और 5-10 मिनट में हम हाईवे पकड़ लेंगे बढ़िया वाला, फिर शाय करते हुए निकल जाएंगे। तो वो सामने दुकान पे हमें दिख गई रस्सियाँ, हमें 2-4 रस्सी एक्स्ट्रा चाहिए। एक्चुअली वहाँ पर रस्सी थी तो सही, उससे सामान बांध दिया, लेकिन अभी तरपाल भी बांध दिया, उसके लिए मोटी रस्सी चाहिए। और यहाँ दिख रही है यूटर्न मार के जाते हैं, अपना सामान सारा सेफ लेके जाना, ये ना मनाली तक पहुंचे बिजय सामान ही नहीं है। हम पहुंच गए सामान गाय। लो भाई लो, सामने पहाड़ भी आ गए हैं, चंडीगढ़ से बहुत जल्दी पहाड़ दिख जाते हैं। रास्ते में चलते चलते ना भाई इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नजर हटी दुर्घटना घटी है। देखो गाय मैडम घूम रही है रोड के बीच में बिना बताए। ये देखो एक दीदी और बैठी हुई है रास्ते में, ये बैठी, और सामने पहाड़ देखो भाई कितने खूबसूरत है। भाई हमारी गाड़ी की ना असली टेस्टिंग चालू हो गई है, पानी भी आ गया, कीचड़ भी आ गया, ऑफ रोड तो आ गया तगड़े वाला। और जरा टायर भी पीछे से हिल गए हैं जो हम लेके जा रहे थे, तो उनको सेटल डाउन करेंगे। हल्के हल्के उधर हो गए ना, बहुत ज्यादा हो गए हैं, उधर साइड मिरर से मेरे को दिखे ये 2 टायर कि ये बाहर को आ रहे हैं। तो भाई बढ़िया से पैक, चाय बोल दूँ तब तक? चाचा जी 5 चाय लगा दो। वहाँ अपनी गाड़ी, यहाँ मिलेगी चाय, और एक बढ़िया चीज और दिखाऊँ, सनसेट कितना ही प्यारा यहाँ से नजर आ रहा है, वो देखो सामने। तो अभी यहाँ से एक ट्रैक्टर निकल रहा था, इसलिए हमने गाड़ी यहाँ से हटा के यहाँ कर दी है, आधा काम हो गया लेकिन यहाँ पूरा काम हो गया। लो अंकल जी, अरे लो लो आप लो पहले,
ये बिस्किट मुझे याद है लास्ट मैंने गुरुजी के साथ ही करे स्पीति जाते हुए, ये मेरे को दोबारा दिख गया, बहुत टेस्टी है। आ जाओ भाई आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। चलो भाई सबको बाय बाय, बहुत अच्छा लगा मिलके। छोटो को हेलो। भाई मेरे देखते ही देखते रात हो गई है, टाइम शाम के 8:11 शाम कह लो रात कह लो, और एक तो इनके फोन नहीं खत्म होते भाई। तो भाई यहाँ रुके थे सामान वामान चेक करने के लिए कि पीछे से हिला तो नहीं। करीबन करीबन हमने 80-90 किलोमीटर गाड़ी चला लिया। पहले ये बता तेरी पूछ किसने काटी है, मुझे ये बता है किसने काटी है तेरी पूछ। ये आपस में दोनों खेल रहे हैं। तो बिलासपुर रह गए यहाँ से सिर्फ 5-10 किलोमीटर, उसके बाद भी मेरे ख्याल से मनाली रह जाएगा 190-180 किलोमीटर। तो अभी भी रास्ता लंबा है, मेरे को लग रहा है रात को 3-1 बजे पहुंचेंगे। और मेन जहाँ पे ब्लॉक है वो रास्ता भी आने वाला है, आगे रास्ता एक ऐसा है ब्लॉक है, पूरी रात गाड़ी में हो सकता है पूरी रात गाड़ी में सोना पड़ेगा। और वो ब्लॉक पता है कब से, कम से कम 18 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मतलब रास्ता बंद हुआ, लैंडस्लाइड हुई, खबर हमारे पास आ गई थी लेकिन वहाँ से तो निकलना ही था। 4 दिन हमें चंडीगढ़ में हुए थे, बाकी ठीक है देखते हैं जैसा भी होता है। तो ब्रेक मारे तो हमें सोचा एक चाय मार लेते हैं, देखो पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, 3 के 4 पहुंच जाएंगे, 5 पहुंच जाएंगे। चलो भाई सारे चेयर्स करेंगे अंकल जी, हम ऐसे ना चेयर्स करते हैं चाय पीने से पहले ना, चेयर्स 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 आंटी जी के साथ में चेयर्स। ये चेयर्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो आगे की यात्रा है वो और बढ़िया रहे। ओ भाई मेरे, वाह झगड़ा हो गया भाई, भाई धुंध देख रहे हो, धुंध कितनी तगड़ी हो रही है, सामने से बस आ रही है वो भी क्लियर दिखाई नहीं दे रही। अरे दीदी क्या कर रहे हो, पक्का भाई था? अच्छा मैं बोला दीदी, और धुंध बड़ी तगड़ी है भाई बाहर। तो यहाँ से मंडी रह गए करीबन करीबन 40 किलोमीटर और वहाँ पर रास्ता बिल्कुल बंद है, 18-20 घंटे हो चुके उस रास्ते को बंद हुए और आगे तो जा नहीं सकते। तो भी प्लान कर रहे हैं या तो किसी अलग रास्ते से जाए, लेकिन वो बड़ा एडवेंचरस बना हो सकता है। हाँ भाई क्या करना है, एडवेंचर करेंगे आपके साथ है। डन डन डन, तो कुछ प्लान तो कुछ प्लान बनाते हैं। एक चीज और दिखाता हूँ, नींद तो आनी नहीं है अभी अभी भाई ने ना इस बोतल से पानी पिया, देखो इसकी हालत क्या कर दी है। ये कैसे पिया भाई, क्या कर दिया बोतल के मुंह का, बस फ्रैक्चर लगेगा थोड़ा सा हो जाएगी। डिनर करने के बाद ना चाय पीते पीते मैं बाहर आ गया, बाहर हवा बहुत बढ़िया चल रही है और हमारी गाड़ी भी बहुत बढ़िया चल रही है। पहले मेरे को लगा था कहीं तरपाल उड़ ना जाए, लेकिन भाई एकदम बढ़िया बंधी हुई है। बीच में फटफट कर रही थी यहाँ से, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने बोला चलने दो अब देखा जाएगा। देखो अब चंडीगढ़ से निकल तो गए हैं, मे भी हो सकता है मनाली तक नहीं पहुँचेंगे, रात को कहीं बाहर ही स्टे करना पड़ेगा, बाहर मतलब होटल में स्टे करना पड़ेगा मंडी से पहले या मंडी क्रॉस करके, बाकी ठीक है जैसा भी होता देखा जाएगा। अभी बहुत सारे बंदे हैं क्योंकि ऊपर से देखो खबर वबर आती रहती, प्यार सिंह जी के बंदे भी बहुत सारे, अपने बंदे बहुत सारे जान पहचान वाले, तो उन्होंने बताया कम से कम 18 घंटे से ऊपर हो चुका है, गाड़ी हमारी फंसी हुई है। अभी हमने विंडो खोली है बिकॉज पहाड़ों में आगे ठंडी हवा चल रही है, रात का टाइम हो चुका है, अभी अपना ज्यादा लंबा रास्ता तो नहीं बचा, पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। कहाँ कह रहे थे कौन सी जगह, वो सुंदरनगर से हम चैल की तरफ को मुड़ जाएंगे, ये तो कोई और जगह बता रहे थे, खुफिया जैसा रहता है गोर गोर। ये वहाँ जाना नहीं चाहते, इन्होंने नागचला में होटल बुक करा के पहले रखा हुआ है। हाँ नागचला, इन्होंने नागचला में होटल बुक कराया, लेकिन वो कह रहे गोर होते हुए जाएंगे, लेकिन वो तगड़ा वाला एडवेंचर हो सकता है और रात को सोच रहे रिस्क ले ना ले, मैं तो कह रहा हूँ चलो देखा जाएगा। 4x4 है सर, 4x4 है, 18 इंच के अलॉय डाले, एक बेस ट्यूब लगाइए, स्पीकर लगाए भाई, लेकर जाएंगे जाएंगे। भाई ये हमने कोई नया रास्ता ले लिया, मैं तो पहली बार इस रास्ते पे ट्रैवल कर रहा हूँ। गुरु जी आप? मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। और आप सर? आप इस रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं, कल से मेला लगेगा यहाँ पे, कहने का मतलब आप भी पहली बार कर रहे हैं भाई, बिल्कुल नया रास्ता। ओ भाई साहब ये देख रहे हो सामने लैंडस्लाइड एरिया, मैं कह रहा था ना इस रोड पे तगड़ा एडवेंचर मिलेगा और मिल भी रहा है। खतरनाक है भाई खतरनाक, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए। तो जब ऐसी कोई रोड आती है ना गुरुजी की हालत थोड़ी टाइट हो जाती है, आपको याद होंगे जिप्सी वाले दिन, तो ये कहते हैं फटाफट से जल्दी से निकाल लो या रोक लो या बैक ले लो, चढ़ा दो ऊपर, चढ़ा दो जितना और क्या। तो ये पेड़ गिरा भाई अभी अभी, और अब हम चला देंगे इसके ऊपर 18 इंच के रिम में बिना 4x4 के, बिना 4x4 के निकाल दिया भाई निकाल दिया, अब बल्ले शेरा 18 इंच का लॉया, जब तक मनाली नहीं पहुंचेंगे 25 बार ही बोल रहे हैं ये मुंह से। तो एक गाड़ी देख रहे हो भाई साहब, ये बीच रोड में खड़े होके ना दोनों बंदे सो रहे थे, ये बीच रोड में लगा के कौन सोता है गाड़ी, अरे तो बीच रोड पे, चलो अब गाड़ी बंद करो थोड़ा और साइड पे करके ना सो जाओ आराम से, नींद आ रही है तो रिस्क मत लेना।
तो चक्कर क्या हुआ, बिल्कुल आगे ना गाड़ी रोक के खड़े हुए और रोड के बीच में और गाड़ी स्टार्ट। अभी भाई और गुरुजी देखने गए तो गाड़ी के अंदर सो रहे, तो मेरे को बुलाता पहले इनकी वीडियो बनाता मैं, फिर इनको जगाया साइड पे करा, अभी भी गहरी नींद पर है। बताओ ऐसी रोड पे चलते चलते कौन सो जाता है, वो भी शुक्र करो ब्रेक मार के सो रहे। शुक्र करो नींद आ गई, अगर नींद नहीं आई तो काम हो गया था। हाँ यार भाई ये नया हाईवे बन गया है 4 लेन, ये कब चालू किया इन्होंने? कुछ टाइम से चली, दो महीने पहले से। बहुत सही बना दिया, बता रहा हूँ हमारी मेहनत ऐसी सफल हो गई है ना, यहाँ से 50 किलोमीटर पीछे कम से कम 200 से 250 गाड़ियाँ रुकी हुई है, दोनों तरफ होंगी ना 2 से 2500 गाड़ी 2 से 2500। अरे बाप रे बाप, वो तो हमें कोई शॉर्टकट पता लगा था और वहाँ से निकलते निकलते सेफ रास्ता लॉन्ग कट था, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट वैसे नहीं, वो उसको बायपास करने के लिए शॉर्टकट, वैसे वो लॉन्ग कट था, मतलब कम से कम हमें 40 किलोमीटर लंबा पड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए वो शॉर्टकट था कि हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, पेड़ों के ऊपर से चढ़ के निकले, नहीं तो कम से कम हो सकता है वहाँ पर 1-2 दिन फंसे रहते। तो ये थी असली लैंडस्लाइड, ट्रक के ऊपर पत्थर गिरा हुआ है, यहाँ ज्यादा रुकते नहीं, फटाफट से 4 गाड़ी आ गई अपनी, क्रिस्टा थी। अच्छा हाँ, क्रिस्टा निकली और यहाँ सुबह की बात है ना, कल रात की। और एक चीज और बता दूं, जो ट्रक का ड्राइवर था वो बिल्कुल सेफ था, 2-3 गाड़ियां और थी उनपे पत्थर गिरे थे, लेकिन सारे के सारे सेफ थे। और मैं मनाली इतनी बार ही आया हूँ ना, मतलब लगा लो 50-1 बारी तो आऊंगा मैं मनाली, लेकिन आज तक मैंने ऐसी लैंडस्लाइड नहीं देखी। भाई से पूछ रहे हैं, हाँ भाई कहाँ तक रिपोर्ट, कह रहे कहाँ से आए हो, कौन से रास्ते से निकल गया, अब एक बंदा मिला पीछे और रास्ते में 2-3 डॉग मिले, वो भाई हैरान होकर देख रहे, कह रहे 2 दिन से एक गाड़ी नहीं देखी, ये कहाँ से निकल के, वो पीछे पीछे भागे आधा किलोमीटर तक। एडवेंचर बढ़िया था, देखो दिन होता ना तो आपको बहुत कुछ दिखाते, लेकिन रात में क्या ही रोड दिखाए, ध्यान बिल्कुल रोड की तरफ ऐसे देखना पड़ता है कि कोई एक आधा पत्थर वत्थर बीच में आ जाए और निपट जाए। ऊपर देख रहा है एक बंदा, नीचे देख रहा है। सारे बंदे अलर्ट बैठे, कोई भी सो नहीं रहा, ऐसे 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 ऐसे। इस टनल में इतनी सारी गाड़ियां होती है ना, ऐसे मिट्टी उड़ रही होती है, लेकिन अभी दूर तक कोई गाड़ी नहीं है। हाँ जी जनाब, चंडीगढ़ से है जनाब, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ आगे का रोड ठीक है? आगे रोड ठीक नहीं है, हम आए जनाब सुंदर नगर चहल नहर। सारी गाड़ियां ना यहाँ पर लाइन से रोकी हुई है, आगे नहीं जाने दे रहे, 24 घंटे से रोकी हुई है। टूरिस्ट सेंटर बैठे हुए, आपने ध्यान दिया? और क्या करेंगे, सोएंगे नहीं तो। अब 4x4 18 इंच का लोहे, 18 इंच का आने के लिए 4x4 18 इंच का लोहे, 18 इंच के रिम और सीट के नीचे, जो सीट के नीचे लगी हो, हाँ। और बहुत बड़ा जटपाजी की तरह जिगरा। तो देखो बंदे सारे वॉल्वो में सोए हुए हैं और ये लंबी लाइन है, लंबी लाइन। तो भाई मनाली यहाँ से रह गए सिर्फ 40 किलोमीटर और गुरुजी का मन कर गया गाड़ी चलाने का, कह रहे अब मैं चलाऊंगा आगे। लो भाई फाइनली हम पहुँच गए मनाली, टाइम 4:04 और अभी यहाँ से सामान उतारेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। मनाली की मार रोड पे आपका स्वागत है, टाइम हो चुका है 4:28, कितना बढ़िया लग रहा है, माल रोड एकदम खाली, अभी चलते अपने घर की ओर। ये देखो मेरा आपको कॉल मिला आखी, ये अभी चारों तरफ से सूंघेगी अक्की। मनीष को सोते उठा दिया हमने, अरे भाई ये तो तेरे नाम बना हुआ है सलमान खान तेरे नाम। तो भाई फाइनली पहुंच गए अपने रूम में, एक चाय पीने का मन था, मौसम ठंडा और एक चाय पी, और अभी टाइम 5:13, अभी सोच रहा हूँ सोऊं या अपनी वीडियो एडिट करूँ, बिकॉज सुबह 10 बजे मेरे को वीडियो अपलोड करनी है, तो उसके हिसाब से अभी एडिट करूंगा। इंटरनेट की स्पीड भी नहीं पता अच्छी है कैसी है, देखो नींद आ भी रही है और थोड़ी नहीं भी आ रही, मतलब चाय पी लिए ना तो अभी आधी नींद उड़ गई है, तो एडिट भी कर सकता हूँ। बाकी होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा, देखो आने वाली वीडियो में ऐसा एडवेंचर आने वाला ना, आप बोलोगे भाई आतंक मचा दिया आतंक। यहाँ तक वीडियो देख ले, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।